एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस ने आज खगड़िया जिले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां से चौथम और मानसी थाना इलाके के 3 अलग अलग गांव में आज छापेमारी की, जहां से गांव में अवैध रूप से चल रहे न केवल एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है बल्कि हथियारों के साथ जखीरा के साथ तस्कर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस ने पहली कार्रवाई ठाठा गांव में किया, जहां से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 7500 कैश और 2 सेट मोबाइल बरामद हुए हैं। दूसरी कार्रवाई एसटीएफ और जिला पुलिस ने अग्रहण गांव में किया है, जहां से एक मैगजीन फैक्ट्री उद्भेदन हुआ है। पुलिस ने मौके पर 6 निर्मित पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 15 मैगजीन और 18 अर्धनिर्मित कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से विजय सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तीसरी कार्रवाई मानसी थाना पुलिस ने राजाजान गांव में की है, जहां से गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से लोडेड 4 कट्टा और 18 चक्र जिंदा कारतूस बरामद हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने कहा कि चौथम और मानसी थाना के 3 अलग अलग जगहों पर आज हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली है। देखिए, एसटीएफ की गुप्त सूचना थी, आसूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम और मानसी थाना, चौथम थाना और मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष के साथ मिलकर ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कि ठाठा जो है मानसी थाना क्षेत्र का, वहां से 2 लोग, एक मुकेश यादव और एक ललन साह, जो कि एक मुंगेर के रहने वाले हैं और एक समस्तीपुर जिला के हैं, इन लोगों के पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 2 मोबाइल और लगभग 75,000 रुपये कैश रिकवर किया गया है। ये लोग परचेज करने आए थे दूसरे जिले से यहाँ पर। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि चौथम थाना क्षेत्र के अग्रहण गांव में मिनी गन फैक्ट्री संचालित है, जो कि विजय सिंह के घर पे चल रही है। तो टीम ने वहाँ भी जाकर रेड किया और विजय सिंह के घर से 6 निर्मित पिस्टल, 15 मैगजीन, 18 अर्धनिर्मित कट्टा और इन सबको बनाने का जो उपकरण होता है वो सब रिकवर किया है और विजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। इन सब के बाद मानसी थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कुछ अपराधी जो हैं, प्रवृत्ति के लोग, 4-5 की संख्या में लोडेड कट्टा के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर इन्होंने रेड किया और उस क्रम में पंकज यादव, पेसर स्वर्गीय राजेंद्र यादव, जो कि पूर्व से काफ़ी कुख्यात अपराधी रहे हैं और मानसी थाना क्षेत्र के कई अपराधों में वो वांछित रहे हैं, अनिरुद्ध यादव, सुमित कुमार और रोशन यादव, इन सब के पास से लोडेड 1-1 कट्टा मिला है और साथ ही पंकज यादव के पास से एक मास्केट भी मिला है, साथ में 18 गोलियां भी बरामद की गई। इन तीनों मामलों का अलग अलग कांड जो है दर्ज करके पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। उन लोगों पे किस तरह का मामला दर्ज है पहले से? पंकज यादव जो है, इनके ऊपर पूर्व से भी गोली चलाने का ही है आरोप है। ये हथियार रखते हैं और धमकाते हैं लोगों को गोली चलाकर, टेरर पैदा करते हैं सोसाइटी में, यही चार्जेस पहले से भी। क्या इन लोगों का आज कोई प्लान वगैरह था क्या? हाँ बिल्कुल, अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। सूचना यही थी कि ये लोग किसी घटना को अंजाम देना के लिए ही इकट्ठे हुए। मिनी गन फैक्ट्री वाले में 1 की गिरफ्तारी हुई है, हाँ, जिनके घर पे संचालित थे।